हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 3 साल बाद फिर उड़ी दाऊद इब्राहिम की मौत की अफवाह। 3 साल बाद एक बार फिर मीडिया में भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के मरने की अटकलें चरम पर हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित होने के बाद दाऊद और उसकी पत्नी महजुबीन उर्फ जुबीना जरीन को कराची मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और वहीं उसकी मौत हो गई। इस तथाकथित रिपोर्ट की कहीं से कोई पुष्टि नहीं हुई है और होने की उम्मीद भी कम है। वैसे दाऊद के छोटे भाई अनीस ने शुक्रवार को ही दाऊद के संक्रमित होने की मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया था। ऐसा नहीं है कि दाऊद इब्राहिम के मरने की अटकलें पहली बार आई हैं। 3 साल पहले यानी 2017 में भी अप्रैल महीने में दाऊद की मौत को लेकर ऐसी ही तेज अफवाह थी। खबर फैली थी कि दिल का दौरा पड़ने के बाद दाऊद की मौत हो गई। हालांकि मुंबई पुलिस और बाद में दाऊद के भाई छोटा शकील ने इन अटकलों को खारिज कर दिया था। जब दाऊद को हार्ट अटैक आने और मौत की रिपोर्ट्स आ रही थी, ठीक उसी दौरान वो 19 अप्रैल 2017 को जावेद मियांदाद के घर एक पार्टी में दिखे थे। मियांदाद के बेटे जुनैद और दाऊद की बेटी महरूख की साल 2005 में शादी हुई थी। हालांकि अंडरवर्ल्ड के जानकार और दाऊद से मिल चुके कई वरिष्ठ पत्रकार ये मानते हैं कि पिछले कुछ सालों से उसे काफी बीमारियों ने घेर रखा है और उसकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती है। दाऊद को गैंग्रीन जैसी खतरनाक बीमारी ने भी जकड़ रखा है। जागरूक टीवी की खास रिपोर्ट।